प्याज की फसल के लिए कौन है बेहतर, मैपिक्वाट क्लोराइट या फिर क्लोरमैक्विट क्लोराइट या पेक्लोबुट्राजोल। किसान भाइयों के पिछले दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि प्याज की फसल पर कंद को बढ़ाने के लिए चमत्कार का स्प्रे करें, लेहोसिन का या फिर कल्टार का, या फिर जो पेक्लोबुट्राजोल 40% वाला आता है उसका स्प्रे करें। तो इस वीडियो पर हम कम्प्लीटली बताने वाले हैं कि आप अपनी प्याज की फसल पर 80-90 दिनों पर कौन से PGR का स्प्रे करना चाहिए जिससे कंद के आकार में वृद्धि हो, और कौन है सूटेबल प्याज के लिए PGR जो कंद को बढ़ा सके। बाकी ये फेंक जानकारी नहीं है, जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पर्सनली ओपिनियन है, साथ ही अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो घरडा कंपनी का चमत्कार आता है इसमें मैपिक्वाट क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, और जो BASF कंपनी का लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है यह क्लोरमैक्विट क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही जो पेक्लोबुट्राजोल आता है जो कल्टार पर 30% SC फार्म में आता है यह भी PGR है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। चमत्कार और लेहोसिन की तुलना में प्याज का कंद बढ़ाने के लिए पेक्लोबुट्राजोल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और रूट जोन से भी आप दे सकते हैं। PGR का काम होता है पौधे की वृद्धि को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, रोकना, जो हाइट को रोक कर कंद के आकार में वृद्धि करेगा। आइए समझते हैं प्याज की फसल पर PGR काम कैसा करता है। तो जो प्याज का पौधा है जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा है, इसके अलावा वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इन सभी की जो एनर्जी है वह बढ़वार ग्रोथ में रेगुलेट कर रोक कर वही एनर्जी को कंद के आकार में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए परिवर्तन कर देता है या फिर रेगुलेट कर देता है। तो कहने का मतलब है हाइट को रेगुलेट कर कंद के आकार में वृद्धि करता है। इसके साथ आप स्टिकर जरूर मिलाएं, क्योंकि प्याज की फसल पर जब तक आप स्टिकर सिलिकॉन बेस चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें जिससे दवा प्रॉपर चिपक जाए, तो प्याज की फसल पर ये तो बात पता चल गई कि कल्टार वेस्ट है यानी पेक्लोबुट्राजोल वेस्ट है। आप 40% वाले को भी स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों के माध्यम से भी दे सकते हैं, और पेक्लोबुट्राजोल 23% SC वाला भी आप स्प्रे या फिर रूट जोन से दे सकते हैं। प्याज की फसल जैसे ही 80-90 दिन की होती है, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, प्याज की फसल जैसे ही 80-90 दिन की होती है आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अब यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 80 ml 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप जड़ों के माध्यम से सिंचाई के साथ दे रहे हैं या फिर जड़ों के पास पिला रहे हैं तो 80-100 ml या फिर ड्रिप पर आप 80-100 ml की दर से जड़ों के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पेक्लोबुट्राजोल है स्प्रे करने की बजाय यदि आप जड़ों के माध्यम से देते हैं, पिलाते हैं या फिर सिंचाई के साथ देते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। यदि आप जड़ों के माध्यम से सिंचाई के साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप कल्टार को या फिर पेक्लोबुट्राजोल 23% SC को या फिर 40% को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पेक्लोबुट्राजोल जो 23% SC वाला आता है यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 80 ml, और यदि आप जड़ों के साथ सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं जड़ों के माध्यम से तो 80-100 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। PGR कंद को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, और यदि आपकी प्याज 80-90 दिन की है तो आप PGR का जरूर प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों में समझिए, प्याज की फसल पर PGR का हमको कब स्प्रे करना चाहिए। तो PGR का हमको तब स्प्रे करना चाहिए हम अपनी प्याज की फसल पर जब जो कंद का विकास लगभग 75% हो चुका हो, तब आप PGR का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।